महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एनसीपी अजित पवार गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एनसीपी अजित पवार गुट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि छगन भुजबल येवला से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सामने आ चुका है, जहां आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट की पहली लिस्ट जारी की गई है। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वहीं छगन भुजबल की अगर बात करें तो वो येवला से चुनावी मैदान में है। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार सीटों को लेकर मंथन जारी है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से ये पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे और छगन भुजबल येवला से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आप लिस्ट भी देख रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जहां एनसीपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। अजित पवार गुट की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार पार्टियों की ओर से मंथन किया जा रहा है। अब इसी बीच अब ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, एनसीपी अजित पवार गुट की ये पहली लिस्ट जारी हो गई है। टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट भी आप देख रहे हैं। साथ ही अगर बात करें अहम नामों की, तो एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे और छगन भुजबल येवला से चुनावी मैदान में उतारे गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जहां 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। और अगर बात करें एनसीपी अजित पवार गुट की, तो उनकी ओर से ये पहली लिस्ट जारी कर दी गई है।